ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि को जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये ऐसी गालियां जो दी हैं वो घोर निंदनीय है, तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत इसको जेल में डाला जाए और माफी भी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जातिगत राजनीति हावी हो रही है। पिछले दिनों भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के दौरान कुछ लोगों की ओर से कथित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई गालियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत संगठन से जुड़े लोगों पर कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा सहित ओबीसी महासभा ने शुक्रवार को प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया। किरार क्षत्रिय महासभा सहित ओबीसी महासभा करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर से भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने हरियाणा के ओकेंद्र राणा को शुक्रवार को उसके घर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में राणा ने बताया कि जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी को आयोजित करनी सेना परिवार के आंदोलन को समर्थन देने वह भोपाल पहुंचा था। उसने यहां सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ अपशब्द का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो सामने आने के बाद पिपलानी पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं करनी सेना परिवार ने ओकेंद्र की गिरफ्तारी से खुद को अलग कर दिया है। करनी सेना परिवार ने सफाई दी है कि मुख्यमंत्री को शब्द कहने वाला उपेंद्र राणा का संगठन से लेना देना नहीं है, वही करनी सेना परिवार का पदाधिकारी भी नहीं है और ना ही उसे हमने बुलाया था। मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल में घटित हुई है और माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरे मध्य प्रदेश को अपना मंदिर समझते हैं, पूरी जनता को भगवान मानते हैं और वो रात दिन सभी धर्मों के सभी समाजों की पूजा करते हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि को जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, जो गालियां दी हैं, जो वीडियो वायरल हुए हैं, मैं कहता हूं कि ऐसी करनी सेना, इनके संस्कार कैसे होंगे, उन परिवार ने ऐसे संस्कार दिए होंगे। करनी सेना नहीं, वो कांग्रेस के गुंडे हैं और ऐसों को कड़ी से कड़ी प्रशासन से हम मांग करने जा रहे हैं, सभी समाज ओबीसी समाज मिलकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कथा कथे करनी सेना के जो पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, आज 3743 जातियां ओबीसी में आक्रोश है। अगर भी अभी पुलिस प्रशासन से अभी हमने निवेदन किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके साथ में नारे लगा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी समस्त करनी सेना के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। और अन्यथा अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा पूरे राष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी।